अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो जी, आज मैं निकल रहा था भाई के साथ इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पेशावर। एक दो मीटिंग थी, दो तीन बंदों को मिलना था, दोस्तों को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्रैवलिंग पे भी लोग बनाया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी लोगों ने मेरा ट्रैवलिंग भी लोग बहुत पसंद किया था। तो आए चलते हैं और आपको दिखाते हैं व्लॉग में। जी अभी हम लोग लाहौर सियालकोट मोटरवे एंटर हो गए हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे जी कालाशाह काकू और वहाँ से मोटरवे M2 जो कि सीधा इस्लामाबाद निकलती है जी। वो सामने कालाशाह काकू टूल प्लाजा और इधर भाईजान रिचार्ज करवा रहे हैं एम टैग, क्योंकि ये ज़रूरी है मोटरवे के लिए। बस ये रिचार्ज हो जाए फिर निकलते हैं। और अभी हम मोटरवे M2 चढ़ चुके हैं और ट्रैफिक है काफ़ी इधर, और हमारी आदत है मेरी और तिलान भाई की हम लॉन्ग रूट पे हो तो नुसरत फतेह अली खान साहब की ग्वालियाँ बहुत सुनते हैं। फैसलाबाद ऐसे नहीं है, बढ़िया। हमें दूर से नजर आ गए, कैमरा लगा हुआ है स्पीड चेकिंग के लिए। और अभी इस्लामाबाद है जी 223 किलोमीटर और ये कैमरा लगा हुआ है। देखें आपके भाई का कैसे गलत नहीं होता। जी तो अभी भेरा आ गया, इधर स्टे करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर इंशाल्लाह निकलेंगे यहाँ से। और अभी सबसे पहले हम लोग जी हाई ऑक्टेन का टैंक फुल करवाएंगे इसका। बंदा ही कोई नहीं, चलो जाने दो। अभी 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 क्या खाना है खान भाई? चोल अब्बेगा ये भी ठीक है। KFC फिजान भाई का फेवरेट है जी, यहाँ पे स्टे किया है। आए फिर चलते हैं जी। अभी हमने मेरे स्टे किया है, यहाँ से फ्रेश होके खाना छाना खा के फिर सीधा इस्लामाबाद जाके आपको दिखाते हैं। सो अभी हम लोगों ने स्टे किया है जी बेरा KFC, यहाँ से लंच वगैरह करके ब्रेकफास्ट फिर निकलते हैं। अभी बंदा इसकी फ्रंट स्क्रीन क्लियर कर रहा था, हाफ क्लियर की और हाफ हुई नहीं है, वैसे चले गए। अभी आएगा हमारा कहला, वापस आएगा, अभी वेट करते हैं उसका। हाँ जी फिजान, चलिए चलिए। गाइस गेस व्हाट, अभी मुझे मेरे अंकल मिले हैं जो बाबा के अच्छे दोस्त हैं, MNA अफजल खोखर, खोखर पैलेस के नाम से उनका घर भी है। उनके भाई मलिक सैफ खोखर, वो भी MNA आई थिंक MP हैं। तो हमने 2008 में हज उनके साथ किया था, 2015-2018 में उमरा उनके साथ किए हैं। तो एक बड़ा अच्छा उनके साथ फैमिली टर्म्स बने हैं। तो अभी उनके साथ मुलाकात हुई है और इतना मज़ा आया है ना, आई थिंक वो भी असम्बली जा रहे थे तो
बड़ा अच्छा लगा उनके साथ मिलकर। यार मेरा प्लान तो यही था कि इस्लामाबाद जाके एंड करूँगा, मतलब ये जो ट्रैवलिंग का सीन है, बट ये जो व्यू है ना सामने कलर का आर्क का, ये इतना खूबसूरत है कि मेरा दिल किया कि मैं यार ये रिकॉर्ड करूँ सारा। ये देखें ज़रा, और इस टाइम हम लोग गुजर रहे हैं जी जानलेवा ब्रिज से, मतलब ये एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, और इसकी अभी ब्रेक लगी है अगरोला वाले की बहुत बुरी किस्म की, क्योंकि ये सॉल्ट रेंज का एरिया तो यहाँ पे अक्सर ब्रेक काम करना छोड़ जाती है, तो इसलिए मोटरवे पुलिस ने भी यहाँ की लिमिट आई थिंक 50 और 40 की रखी है। आप देख ही सकते हैं हवा का प्रेशर कितना है, बाल शाल उड़ रहे हैं इस टाइम। अभी ना गाड़ी की वायर फुल करवा रहे थे क्योंकि गाड़ी ना थोड़ी अनबैलेंस हो रही थी, तो लेकिन जो यहाँ पे हवा का प्रेशर नेचुरल हवा का है ना वो ज़्यादा मज़ेदार है। सो फिजान कैसा लग रहा है आपको आज? इधर दसो। अच्छा है। क्या अच्छा है इधर देखो, मज़ा आ रहा है बड़ा मर्जी है। और ये सामने जी टोल प्लाजा आ चुके हैं, और पीछे लिखा भी हुआ था वेलकम टू इस्लामाबाद द कैपिटल सिटी। और हम लोग 10:10 पे निकले थे घर से, और 1:10 पे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद ऑलमोस्ट 3 घंटे में, जिसमें हमने 2 स्टे भी किए हैं। अब इधर से ऐसे निकलेंगे स्पीड में, खोल दो बेटे, चलो खुल गया। 2445 बैलेंस। अच्छा जी, प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग है, अभी हमारा डिसाइड ये हुआ कि हम लोग जाएंगे सीधा पिशावर, क्योंकि मोटरवे नहीं छोड़नी है अभी पिशावर, पिशावर से वापसी हम लोग इस्लामाबाद आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह रात को वापस निकलेंगे। इसी भी लोग में आज ही हमने वापस लाहौर भी पहुँचना है, तो दिखाते हैं आपको फिर। और ये जी सामने जो आप देख रहे हैं ये पिशावर मोटरवे का टोल प्लाजा है, यहाँ से आप आगे सीधा पिशावर। ये जी वेलकम टू इस्लामाबाद पिशावर मोटर वॉल M1 अभी हम लोग जा रहे हैं जी पेशावर, अभी पेशावर मोटरवे पे हैं M1 पे, तो आई थिंक 100 और 110 किलोमीटर से है पेशावर अभी, तो वहाँ जा के फिर आपको दिखाते हैं। नाइस, चलो आओ। नहीं जी फिजान भाई तो थक गए हैं, अब मेरी बारी, मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा, अभी मैं खुद गाड़ी ड्राइव करूंगा। जी सर बैठे हैं आप? नहीं जी, इसका MG पायलट ऑन हुआ है, स्टीयरिंग भी खुद ही मूव होगा इसका, ये देखें, और ड्राइव भी खुद ही हो रही है, रेस भी नहीं देनी पड़ रही, तो ये एक मजा है इसका, एंजॉय करता जाता है बंदर। सो पिशावर भी पहुंच गए हैं जी घर से अल्हम्दुलिल्लाह, अब पिशावर सिटी भी दिखाते हैं आपको, बस यहाँ से निकल के तो फिर दिखाते हैं। कौन जुटते हो इधर देखो। लो जी रॉन्ग लेन में आ गया वो बंदा, और अभी हम लोग निकलेंगे स्पीडी स्पीडी। चलो जी खुल गया। सो अभी जी पिशावर सिटी में जा रही हैं, और वहाँ जाके फिर आपको बाजार वगैरह दिखाते हैं और वहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं। ये लेफ्ट साइड पे देखें जी, बेटा आर्मी दा है वो, हेड क्वार्टर है फ्रंटियर कॉम्स। ओ खड़े हुए आर्मी वाले, FC। बट यार पिशावर की जो एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी ना वो है ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक का निजाम नहीं है, मतलब लोगों को तरीका ही नहीं है चलाने का, ना पता है कि लैंड डिसिप्लिन का तो पता ही नहीं है ना किसी को। जी तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं जी पिशावर के बाजार में,
जहाँ हमने बंदे को मिलना है, तो अभी बस उसे मिलके तो हमने वापस निकलना है इस्लामाबाद। इधर बस उसी को मिलने आए थे हम लोग, तो उसे मिलके निकलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा गोलगप्पे हमने जब खा लिए ना, फिर याद आया कि वीडियो भी बनानी थी स्पेशल। जी तो शॉपिंग तो हमने कर ली है, शॉपिंग भी कर ली है, मिल भी लिया बंदे को, अभी वापस निकलेंगे बस इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर। इस्लामाबाद, यहाँ से अब इस्लामाबाद जाएंगे इंशाल्लाह और वहाँ से फ्री होके फिर लाहौर आ जी। फिलहाल साहब खान साहब से किन्नू पकड़ते हुए शुक्रिया खान साहब ये तो वेरी गुड हो गया यार और ये स्विक वाले भाई उड़ते हुए आ रहे हैं, ये देखें जी बाबा जी हैं माशाल्लाह। ओह माय गॉड वो गए हैं, हमारी कितनी स्पीड है जी 150, चेक करें जरा, उड़ते हुए जा रहे हैं जैसे हुए, बस जाने दें इनको, आज मूड नहीं है। और ट्रैवल काफ़ी हो गया तो अभी बस टैंक फुल करवा रहे हैं अब इधर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से होपफुली रात तक फारिग होके तो घर इंशाल्लाह। इस्लामाबाद टोल प्लाजा आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे, शाम का टाइम हो गया है और अभी हम लोग इस्लामाबाद की तरफ टर्न ले रहे हैं और ये श्रीनगर हाईवे जिसको पहले कश्मीर हाईवे बोला जाता था, अब यहाँ से सीधा जहाँ हमने जाना है वहाँ तो अपनी लोकेशन पे और यार आई थिंक इस्लामाबाद में जो व्यू आते हैं ना वो बहुत मज़ेदार व्यू है इवनिंग का, आप देख भी सकते हैं कैमरे में और हम लोग इसे खुद भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइव। बाकी यार आज का जो व्लॉग था ना ये सारा ट्रैवलिंग पे था और बहुत मज़ा भी आया है, मज़ीद आएगा और थकावट भी हो गई है थोड़ी सी क्योंकि लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पेशावर, दैन फिर इस्लामाबाद और फिर यहाँ से अब लाहौर जाना है और कोई स्टे नहीं है, तो बट ये है कि मज़ा आ रहा है, यूज्ड टू है तो इसलिए इतना फील नहीं होगा। वेल नवा मंडे दे अल्लाह माफ करे जब एक्सीडेंट होया होएगा उन्होंने पूछो बेचारे ने कुछ नहीं, बहुत फ्रंट ही उड़िया होता कुछ नहीं, बंदा तो जरा चला रहे हो उन्होंने तो लगी होएगी नहीं लगता तेरे लगन ना लगन ना की इधर देखो तो अभी हम लोग जी टैंक फुल करवा रहे हैं हाई ऑक्टेन का, बहुत पेट्रोल भी है इस गाड़ी में। हाँ जी फिलहाल फुल हो गई ना हो यार, हाँ तो 5800 का होया है। आए हाय हाय को ग्रीन टी वो चली सी फिर ये क्या मैं फिजान कुछ नहीं फिजान यार सारे मेरी इंसल्ट ना करे करो, ये जी अभी ग्रीन टी गिर गई है चेक करें, सारा गंदा हो गया इंटीरियर। ये देखें जी मैं समझता हूँ अगर आप इस्लामाबाद आए और इस रोड पे नहीं आए या इस मॉल में नहीं आए तो इस्लामाबाद आने का फायदा नहीं है। ये है जी सेंटोरस मॉल, जो लोग इस्लामाबाद रहते हैं या जो नहीं भी रहते उनको भी आइडिया होगा इस जगह का। बड़ा मजा आ रहा है यार, थकावट तो हुई है बट इंजॉय भी हो रहा है। रश देखें जरा मॉल के बाहर ये बात सुनिएगा यार, फिजान भाई को लगी थी थोड़ी सी भूख और उनसे रहा नहीं गया यार, ये ना दो दे दे ओरियो चॉकलेट, ज्यादा कुछ ना करना मैंने नहीं खाना इतना, बस वो ही कर लो एक ओरिजिनल चॉकलेट करते हैं। एंड हियर इज आवर ऑर्डर,
ये अनलॉक होते, ये जो लिखा आता है ना MG, इसी के सारे पैसे हैं। तो बंद कर बंद कर बंद कर। सो जी अभी हम लोग तहजीब पे आ चुके हैं और फिजान भी गए हैं अंदर, मैं गाड़ी के पास ही हूँ, बस जैसे ही वो आते हैं फिर इंशाल्लाह निकलते हैं यहाँ से लाहौर के लिए। अभी बस निकलते हैं जी, तहजीब से निकल रहे हैं अब इंशाल्लाह यहाँ से मोटरवे और मोटरवे से लाहौर। और मेरे बिल्कुल राइट साइड पे जो रास्ता है जो नीचे से गुजर रहा है ब्रिज के, वहाँ पे फैसल मस्जिद, वो सामने वो नज़र आ रही होगी, नहीं आ रही, अंधेरा है, मुझे आ रही है नज़र। और अभी हम लोग आ चुके हैं मलंगजान होटल, और ये इनका पुलाव है जो कि सेवन फूड से भी ज़्यादा अच्छा है और फेमस है, अभी खाते हैं और इसका रिव्यू देते हैं फिर आपको, गरम गरम है। 10-11 को माशाल्लाह किलो आया था और बचा ही नहीं है, खात्मा हो गया, इतना मज़े का था। आज मेरा ख्याल मिल रही है, कल बरात है। और मैं हाईली रिकमेंडेड, मतलब जो भी इस्लामाबाद आए मलंगजान होटल से ट्राई ज़रूर करें। यार मैं समझता हूँ जी इस्लामाबाद कटूवर पेशावर कटूवर सारा एक साइड पे, और ये खाना रात के एक साइड पे, इतना मज़े का खाना था, लवली, मतलब पुलाव था और मज़ा आ गया, इतना अच्छा था। यार क्या मज़े का व्यू है, माशाल्लाह मज़ा आ रहा है देख के। और अभी हम लोग M2 एंटर होने वाले हैं इस्लामाबाद से, और यहाँ से फिर इंशाल्लाह होपफुली, उम्मीद है कोई स्टे नहीं होगा, बस बगैर स्टे के निकल जाएंगे। अब हम लोग एंटर हो रहे हैं जी, कोई बैलेंस भी देखते हैं अपना। चले इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको फिर जा एंड तक व्लॉग। 165। ओके 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 बाय, इतनी थी आपकी बस। यारिस है ना, एंड इट्स टाइम टू चेंज द ड्राइवर सीट, मतलब ड्राइवर भी चेंज होगा। चले चेंगे यार, मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि भी लोग लंबा बनाया करें, अपना फेस शो करवाया करें, तो अभी मुझे अपना फेस शो करवाना इतना अच्छा नहीं लगता, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ जरूरत हो वहाँ शो करवाऊँ। और भी लोग यार लंबा कोई देखता नहीं है, बट आज का जो भी लोग है उम्मीद है कि लंबा जाएगा, बिकॉज इसमें ट्रैवलिंग बहुत है और मज़ा आएगा आपको, उम्मीद है। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी। और ये कलर का हार अभी स्टार्ट हो चुका है, और हमारा ना ऐसे गाने सुनने के बहुत दिल कर रहा है, इसलिए हमने लगाए होंगे। ये भाईजान उड़ते हुए आ रहे हैं पीछे से, और इनके साथ बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा ज्यादा हो रही है। ओ यार एंड हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया। 190 गाड़ी जा रही है 190 में। अब हमने क्रूज लगा लिया 150 पे, अब इसे गुजरने देंगे। चलो जी जाओ जाओ जाओ, मुकाबला ही नहीं बनता आपका हमारा। अब सिद्धांत भाई ने रैम खा के उसे रास्ता दिया है, वो जा रहा है वो बंदा, और अब हम उसे चेस करके ओवरटेक करेंगे। और एक और मूड पे, नो स्पोर्ट्स नो नॉर्मल, एक और पे जाएंगे, और ये है वो बंदा। यार MG का भी अपना ही स्वैग है वैसे, ना 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 ना, ना। ये है, ये है, ये है। चलो जी अल्लाह के बाद ज्यादा हो रही है उसके साथ। आहा।
बस ग्रैंडी एक्स रेस्ट इन पीस वो पीछे एंड कर गया था ये देखिए बस MGHS फाइनली अलहमदिल्ला कालाशाह काकू आ गए हैं अब यहाँ से ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में घर ₹1,095 हैं अभी भी अभी हम लोग जी लाहौर से आलमपुर मोटरवे पे हैं यहाँ से सीधा लाहौर रिंग रोड और वहाँ से फिर घर इंशाल्लाह यार पाकिस्तान में ऐसे से पढ़े लिखे जाहिल हैं मतलब उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि गाड़ियां अच्छी अच्छी रख ली हैं नजर आ रहा है दूर से कि दो लाइंस चल रही हैं फिर भी रोंग लेन से आके सारी ट्रैफिक खराब करनी है पता नहीं यार क्या मसला है इन लोगों को या मतलब दो लाइनें बिल्कुल ठीक चल रही थी उधर से आके रोंग लेन में हो रहे हैं बार बार और एक बंदा गलत होता है ना उसके पीछे 10 गलत जाते हैं फिर अब ये लाइन लगी हुई है पीछे ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर आ गए हैं और अब रिंग रोड एंटर हो रहे हैं तो इधर से ऑलमोस्ट होपफुली 10 मिनट में अपने घर वाइड एंगल में ना वीडियो ब्लैक हो जाती है इस टाइम इसीलिए मैं वाइड एंगल यूज नहीं करता जी अल्लाह पाक के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर भी आ गए हैं और सारा दिन गुजर गया पता भी नहीं चला कैसे बिजी बिजी गुजर गया ओके गाइस ऑलमोस्ट 12:30 बज गए हैं रात के और अभी आके फ्रेश हुए हैं और आज का जो दिन था और जो व्लॉग था वो सारा ट्रैवलिंग में गुजर गया है ऑलमोस्ट कोई 14 घंटे ट्रैवल किया लाहौर से इस्लामाबाद इस्लामाबाद से पिशावर देन अगेन इस्लामाबाद और फिर उधर से लाहौर सो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा देख के और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करते सांस चढ़ गए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में तब तक अल्लाह हाफिज़